नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एकेबी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल के पूरे 17 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, लुका छुपी फिल्म के 10 दिन के कलेक्शन के बारे में, बदला मूवी के 3 दिन के कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ हॉलीवुड की फिल्म कैप्टन मार्वल के भी 3 दिन के कलेक्शन के बारे में। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म गली बॉय के पूरे 25 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां पे आपको मिलने वाली है बॉलीवुड, साउथ और हॉलीवुड फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें फिल्म गली बॉय के बारे में, तो दोस्तों आलिया भट्ट और रणवीर सिंह से सजी हुई गली बॉय फिल्म, जिसे डायरेक्ट किया था जोया अख्तर ने और प्रोड्यूस किया था फरहान अख्तर और रितेश सिद्वानी ने, दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पूरे हो चुके हैं 25 दिन और फिल्म ने 25 दिनों में काफ़ी बढ़िया कारोबार किया है। जी हाँ दोस्तों, फिर वो इंडिया का कलेक्शन हो या फिर वो ओवरसीज़ का कलेक्शन हो, दोनों ही जगह पर फिल्म ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन करने में सक्सेसफुल साबित रही है। अगर दोस्तों बात करें हम गली बॉय के बजट के बारे में, तो गली बॉय का बजट था सिर्फ 65 करोड़ रुपए। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय ने इंडिया में लगभग 143 करोड़ का कलेक्शन किया है अपने 25 दिनों में। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के ओवरसीज मार्केट यानी विदेशी कमाई के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने विदेश में कमाया है लगभग 68 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के इंडिया के 143 करोड़ और ओवरसीज के 68 करोड़, यानी फिल्म का जो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होता है वो हो चुका है 211 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों फिल्म का बजट जहां 65 करोड़ था और फिल्म ने कमाई कर ली है 211 करोड़ की, यानी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी है। वही दोस्तों बात करें फिल्म सोन चिड़िया के बारे में, तो दोस्तों सोन चिड़िया फिल्म को डायरेक्ट किया था अभिषेक चौबे ने और इस फिल्म में नजर आए थे सुशांत सिंह राजपूत, मनोज बाजपेयी, भूमि पेडनेकर, आशुतोष राणा और रणवीर सोरी। दोस्तों अगर बात करें हम सोन चिड़िया फिल्म के बजट के बारे में, तो सोन चिड़िया फिल्म का बजट था लगभग 25 करोड़ रुपये। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के बारे में, तो दोस्तों फिल्म काफ़ी शानदार थी और फिल्म को रिव्यूज़ भी काफ़ी बढ़िया मिले थे, लेकिन बिना प्रमोशन के रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी कम कलेक्शन किया और फिल्म अपने शुरुआती वीकेंड में ही फ्लॉप करार दे दी गई थी। अगर दोस्तों बात करें सोन चिड़िया के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी कि 10 दिन के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म के कलेक्शन काफ़ी निराशाजनक है। फिल्म ने इंडिया तो ठीक है, ओवरसीज में भी काफ़ी कम कलेक्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो सोन चिड़िया फिल्म ने 10 दिनों के अंदर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4 करोड़ 80 लाख का कारोबार किया। वहीं अगर बात करें ओवरसीज मार्केट की, तो फिल्म ने ओवरसीज में सिर्फ 1 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की। इसी के साथ दोस्तों 25 करोड़ के बजट में बनी फिल्म सोन चिड़िया का 10 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा वर्ल्ड वाइड वो रहा लगभग 6 करोड़ 50 लाख रुपए। आपको बता दें दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित रही है। वही दोस्तों बात करें फिल्म लुका छुपी के बारे में, तो दोस्तों लुका छुपी फिल्म को भी हो चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर 10 दिन, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया कारोबार करने में कामयाब रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें लुका छुपी के बजट की, तो लुका छुपी फिल्म का भी बजट था लगभग 25 करोड़ रुपये। वही दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उतेकर ने और इस फिल्म में नजर आए थे कार्तिक आर्यन, कीर्ति सेनन और उनके साथ थे अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी और विनय पाठक। अगर दोस्तों बात करें लुका छुपी फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों 25 करोड़ के बजट में बनी फिल्म लुका छुपी ने अपने 10 दिनों में अपने बजट से 3 गुना कमाई ज्यादा कर ली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लुका छुपी फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन लगभग 8 करोड़ की कमाई की थी, वहीं इस फिल्म ने अपने वीकेंड में 33 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 54 करोड़ का कारोबार कर लिया था। वहीं दोस्तों फिल्म ने 8वें दिन कमाए थे 4 करोड़ रुपए, 9वें दिन कमाए फिल्म ने 5 करोड़ और बात करें 10वें दिन की, तो 10वें दिन भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रॉन्ग रही और 10वें दिन इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ रहा है लगभग 4 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों लुका छुपी फिल्म का जो 10 दिन का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 67 करोड़ यानी 67 करोड़ रुपए। वहीं अगर बात करें लुका छुपी फिल्म के ओवरसीज मार्केट की, तो फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में अपने शुरुआती 10 दिनों में लगभग 15 करोड़ की कमाई कर ली है। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के इंडिया के 67 करोड़, ओवरसीज के 15 करोड़, यानी कि फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड
टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 82 करोड़ रुपए। अब दोस्तों फिल्म का बजट था 25 करोड़ और फिल्म ने कमा लिए है 82 करोड़, यानी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी है। ही दोस्तों बात करें फिल्म बदला मूवी के बारे में, तो दोस्तों बदला मूवी को डायरेक्ट किया है सुजोय घोष ने और इस फिल्म में नजर आ रही है तापसी पन्नू और उनके साथ में है सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी। दोस्तों अगर बात करें फिल्म बदला मूवी के बजट के बारे में, तो बदला मूवी का टोटल बजट है लगभग 18 करोड़ रुपये। वही दोस्तों इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया कारोबार किया और फिल्म ने अपने शुरुआती 2 दिनों में ही अपना बजट रिकवर कर लिया है। जी हां दोस्तों आपको बता दें फिल्म ने अपने पहले दिन ऑल इंडिया लगभग 5 करोड़ की कमाई की, वही सिर्फ बॉम्बे में फिल्म का कलेक्शन था लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए। वही दोस्तों बात करें दूसरे दिन के कलेक्शन की, तो दूसरे दिन इस फिल्म ने सिर्फ बॉम्बे सर्किट में लगभग 3 करोड़ 20 लाख की कमाई की थी, वही ऑल इंडिया फिल्म का कलेक्शन रहा था दूसरे दिन लगभग 8 करोड़ रुपए। वही दोस्तों बात करें तीसरे दिन की, तो तीसरे दिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही और कहीं ना कहीं लग रहा है कि यह फिल्म अपने पहले दिन और दूसरे दिन से ज्यादा कलेक्शन तीसरे दिन कर रही है। जी हां दोस्तों इस फिल्म को जो एडवांस बुकिंग मिली है तीसरे दिन वही कम से कम 6.5 करोड़ की है। तो जो अभी तक की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बदला मूवी अपने तीसरे दिन ऑल इंडिया लगभग 10 करोड़ का कारोबार कर रही है। तो दोस्तों इसी के साथ बदला मूवी का जो 3 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 23 करोड़ रुपए। अब दोस्तों फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में 23 करोड़ रुपए कमा लिए और फिल्म का जो बजट है वो है सिर्फ 18 करोड़। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी की फिल्म बदला बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होने वाली है। वैसे दोस्तों अगर आपने बदला फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगर दोस्तों बात करें हॉलीवुड की फिल्म कैप्टन मार्वल के बारे में, तो दोस्तों मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की एक और शानदार फिल्म इंडिया में रिलीज हो चुकी है और फिल्म को हमेशा की तरह, जो कि हमेशा मार्वल की फिल्मों को इंडियंस पसंद करते हैं उसी तरह दोस्तों कैप्टन मार्वल को भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला। जी हाँ दोस्तों फिल्म तमिल, तेलुगू और हिंदी 3 लैंग्वेज में रिलीज हुई और फिल्म को तीनों लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला और फिल्म के कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहे। जी हाँ दोस्तों अगर बात करें फिल्म के इंडियन कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं फिल्म को इंडिया में लगभग 1500 स्क्रीन में रिलीज किया गया है। वही इस फिल्म के इंडियन राइट्स बिके थे लगभग 27 करोड़ रुपए में, यानी कि फिल्म के जो इंडियन थिएट्रिकल राइट्स की कीमत है वो थी 27 करोड़ की। यानी कि फिल्म को अगर बॉक्स ऑफिस पर हिट होना है तो फिल्म को इंडिया में कम से कम 30 से 35 करोड़ की कमाई करनी होगी। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के 3 दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने 3 दिनों में ही अपने बजट से ज़्यादा का कलेक्शन इंडिया में कर लिया है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 13 करोड़ रुपए की कमाई की, वही दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 16 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें तीसरे दिन की, तो तीसरे दिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर और भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही है और कहीं ना कहीं बॉलीवुड की फिल्मों से ज़्यादा कमाई मार्वल की फिल्म कैप्टन मार्वल की होती नजर आ रही है। अगर बात करें इस फिल्म के तीसरे दिन की एडवांस बुकिंग के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को तीसरे दिन एडवांस बुकिंग ही 11.5 करोड़ रुपये की मिल चुकी है। तो जो अभी तक की रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके हिसाब से कैप्टन मार्वल अपने तीसरे दिन कम से कम 19 करोड़ का कारोबार कर रही है। तो दोस्तों इसी के साथ जो कैप्टन मार्वल का 3 दिन का ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है तमिल, तेलुगु और हिंदी मिला के वो हो चुका है 48 करोड़ रुपए। अब दोस्तों फिल्म के राइट्स बिके थे 27 करोड़ में और फिल्म ने 3 दिनों में ही 48 करोड़ यानी 48 करोड़ का कारोबार कर लिया, यानी कि फिल्म 3 दिनों में ही सुपर डुपर हिट हो चुकी है। वैसे दोस्तों अगर आप भी मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के फैन हैं, तो अपना फेवरेट कैरेक्टर जरूर बताएं कि आपको मार्वल में सबसे फेवरेट हीरो कौन सा है। वही दोस्तों अब अगर बात करें बॉलीवुड के सबसे बड़े सिंघम यानी कि हमारे अपने मास महाराजा अजय देवगन की फिल्म टोटल धमाल के बारे में, तो दोस्तों टोटल धमाल को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने और इस फिल्म में सुपरस्टार अजय देवगन साहब के साथ नज़र आ रहे हैं अनिल कपूर जी और साथ ही साथ नज़र आ रही है माधुरी मेम। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में नज़र आ रहे हैं रितेश देशमुख और उनके साथ है जावेद जाफरी, जोनी लीवर और संजय मिश्रा। अगर दोस्तों बात करें टोटल धमाल के बजट के बारे में, तो टोटल धमाल का टोटल बजट है लगभग 115 करोड़ रुपए। ही दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पूरे हो चुके हैं 17 दिन। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल का कलेक्शन करते जा रही है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों ये फिल्म इंडिया तो ठीक ही ठीक ओवरसीज यानी विदेश में भी काफी बढ़िया कारोबार कर रही है और ये फिल्म अभी तक 2019 की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों अगर बात करें अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो
टोटल धमाल ने अपने पहले दिन लगभग 17 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 95 करोड़ की कमाई की थी और दूसरे हफ्ते में फिल्म ने कमाए थे 43 करोड़। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो दो हफ्ते का यानी कि 15 दिन का कलेक्शन था वो हो चुका था 134 करोड़ रुपये। वहीं अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के तीसरे हफ्ते की कलेक्शन की तो तीसरे हफ्ते में इस फिल्म ने शुक्रवार को कमाए लगभग 3 करोड़ रुपये। वहीं शनिवार को फिर से फिल्म ने कमाए 3 करोड़। और बात करें संडे की तो दोस्तों संडे भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल का कारोबार कर रही है और जो इस फिल्म को संडे की एडवांस बुकिंग मिली है वो है लगभग 2.5 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों अभी तक की जो रिपोर्ट निकल के आई है उसके हिसाब से टोटल धमाल फिल्म अपने 17वें दिन यानी कि अपने तीसरे संडे लगभग 4 करोड़ का कारोबार कर रही है। तो दोस्तों इसी के साथ जो टोटल धमाल का अब तक का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो हो रहा है 144 करोड़ रुपये। अब दोस्तों 144 करोड़ तो सिर्फ इंडिया का कलेक्शन है। अब अगर बात कर ले ओवरसीज मार्केट यानी विदेशी कमाई के बारे में तो फिल्म ने विदेश यानी ओवरसीज मार्केट में लगभग 53 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो दोस्तों इंडिया के 144 करोड़ ओवरसीज के 53 करोड़ यानी कि जो टोटल धमाल का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 197 करोड़ रुपए। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्म का बजट है सिर्फ 115 करोड़ और फिल्म ने अब तक लगभग 197 करोड़ यानी कि 200 के करीब कमाई कर ली है यानी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो चुकी है। वैसे दोस्तों अगर आपने अभी तक टोटल धमाल फिल्म नहीं देखी तो आप इस फिल्म को एक बार देख के जरूर आइए। फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग और काफ़ी कॉमेडी से भरपूर है। और अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सब फिल्मों में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।